हेलो फ्रेंड्स, सेमिरुमा किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए एक टेस्टी स्नैक्स। इसको किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले एक बाउल में 200 ग्राम मैदा लेंगे, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, 50 ग्राम डालडा घी डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड या देसी घी भी यूज कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया, अब इसको आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और उसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भून लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के उबले मैश किए हुए आलू डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हरी मटर डालकर इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक बाउल में 1 टेबल स्पून मैदा लेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको चारों तरफ से बराबर बेलना है। अब इसको रेक्टेंगल शेप में काट लेंगे और इसकी साइड्स को हटा देंगे। अब इसके दोनों साइड्स में इस तरीके से कट लगा लेंगे और बीच में इसमें स्टफिंग रखेंगे। अब इसके बीच वाले भाग को इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इस पर मैदे का घोल लगाएंगे और इन स्ट्रिप्स को क्रॉस ओवर करते हुए चिपकाते जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन स्ट्रिप्स को मैदे के घोल से अच्छे से चिपकाना ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। अब इसके ऊपर और नीचे के भाग को इस तरीके से कट कर लेंगे और इनको 3 बराबर स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे और इस पर मैदे का घोल लगाकर इस पर मटर रखते हुए इसको रोल कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे स्टेप्स को तैयार करेंगे और इन तीनों स्टेप्स के बीच में मैदे का घोल लगाकर इनको भी अच्छे से चिपका लेंगे। यही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। अब चाकू की सहायता से इसको हाथ पर उठा लेंगे। ये लीजिए, हमारी डिजाइनर टॉफी तैयार है। अब हम एक टूथपिक लेंगे और इससे मटर के दानों में छेद कर लेंगे ताकि ये फ्राई करते हुए फटे या निकले ना। ऐसे ही हम सारी टॉफी तैयार कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इनको फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और बीच में गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और फिर लो कर लेंगे। टॉफी हमारी फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाय।